नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 मार्च गुरुवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना पुलिस ने लाखों रुपए की क्रिकेट बुक्की पकड़ी है। पुलिस ने मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 59 लाख रुपए का हिसाब किताब बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग पाकिस्तान सुपर लीग के क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजीव कुमार अपने मकान में ही क्रिकेट बुक्की चला रहा था। पुलिस ने मौके से एक लैपटॉप व 9 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। दौसा जिले में ऑनर किलिंग का बड़ा मामला सामने आया है। यहां प्रेमी के घर से अपहृत युवती की हत्या की सूचना मिली है। मिली जानकारी के अनुसार लड़की को उसके पिता ने ही मौत के घाट उतारा है। इसके बाद खुद पुलिस थाने पहुंचकर हत्या की सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाईकोर्ट ने प्रेमी युगल को सुरक्षा का निर्देश दे दिया था, लेकिन फिर भी युवती के परिजन उसे 2 दिन पहले प्रेमी के घर से ले गए थे। उसके बाद पुलिस भी युवती की तलाश कर रही थी, लेकिन लड़की को करने की सजा अपनी मौत से चुकानी पड़ी। मृतका के परिवार वालों ने 16 फरवरी को जबरन उसकी शादी करवा दी थी। शादी के बाद मृतका अपने प्रेमी के साथ 21 फरवरी को फरार हो गई थी और परिजनों पर जबरन शादी का आरोप लगाया था। अलवर जिले के बानसुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या कर शव को सड़क पर फेंकने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बानसुर के गांव बुटेरी से बबेरा जाने वाले शमशान घाट पर युवक का शव मिला है। यह शव ग्राम बुटेरी निवासी वीरेंद्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। प्रदेश में जुआ खेलने और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अब जेल होगी। सरकार जल्द ही राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक 2021 लेकर आ रही है। नए विधेयक में ऑनलाइन जुआ और सट्टे को संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में रखा है, जिसमें जमानत में मुश्किल आएगी। राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1949 की जगह नया विधेयक लाया जा रहा है। इसमें जुआ सट्टे को रोकने के कड़े प्रावधान किए गए हैं। नए विधेयक को कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी है। अब सरकार विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में विधेयक को सदन में लाकर इसे पारित करवाएगी। उदयपुर जिले के वल्लभ नगर थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला नमिता विश्वास की गला रेतकर निमर्म हत्या करने की जानकारी सामने आई है। बदमाशों ने पहले महिला के हाथ पैर बांधे, मुंह पर टेप लगाया और फिर उसका गला रेत दिया। मृतका के पति के घर पहुंचने पर मामले का खुलासा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि लूट के इरादे से महिला की हत्या की गई है। घर से जेवर और 1.5 लाख रुपए भी गायब हैं। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं मावली थाना पुलिस ने 3 बंगाली युवकों को भी हिरासत में लिया है। ये वही संदिग्ध हैं जो वारदात से पहले मृतका के घर आए थे। अलवर शहर के अन्नीबी थाना क्षेत्र में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। 2 मार्च को ही घर में पति की संदेहास्पद मौत होने की पुलिस को शिकायत मिली थी। अगले दिन ही पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पत्नी ने पति के फुफेरे भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। लक्ष्मी नामक महिला की 2 बेटी और 1 बेटा है। 2 बेटियों की शादी भी हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी व उसके देवर के बीच करीब 15 साल से अफेयर चल रहा था। वह अपने पति संजय से परेशान थी। दुर्घटना में चोट लगने के बाद से पति अधिकतर समय बिस्तर पर पड़ा रहता था। प्रेम में बाधा बनने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में लक्ष्मी और रविंदर को गिरफ्तार किया है। उदयपुर जिले की चित्रकूट नगर की किराना दुकान से चोरी हुई 20,000 की चॉकलेट के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी अविनाश ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने चॉकलेट खाने की जिद की। वह चॉकलेट लेने रात को ही निकल गया, लेकिन दुकानें बंद थी। इस बीच चित्रकूट नगर की एक दुकान के बाहर डीप फ्रीज रखा हुआ था, उसका ताला तोड़कर गर्लफ्रेंड के लिए 700 चॉकलेट ले गया। इस काम में उसकी मदद करने के आरोप में एक नाबालिग भी डिटेन किया गया है। पुलिस ने चॉकलेट जब्त की तो उनमें 5 कम मिले। महिला दिवस पर प्रदेश भर में महिलाएं और बालिकाएं रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रोडवेज को सरकार इसके बदले में पैसा देगी। एसी और वॉल्वो बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी। एसी और वॉल्वो बसों को छोड़ सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा राजस्थान की सीमा तक ही मिलेगी। राजस्थान की सीमा से बाहर किराया देना होगा। राजस्थान सरकार महिला दिवस के साथ रक्षाबंधन पर भी रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देती है।
अजमेर जिले के किशनगढ़ के हरमाड़ा रोड स्थित मार्बल मंडी में दो युवकों ने पिस्टल की नोक पर मार्बल व्यवसायी से 1,00,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे गांधीनगर थाना पुलिस ने बताया कि सूरज विहार कॉलोनी में रहने वाले मार्बल व्यवसायी जितेंद्र लोडा ने मार्बल बेचा और उसे भरकर भेज दिया। वह ई बिल बना रहे थे, उसी दौरान बाइक पर दो युवक आए और पिस्टल की नोक पर 1,00,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है, जिसके लिए नाकाबंदी भी करवाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को प्रदेश के जनता के कोरोना के प्रति सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना से जीती जंग कहीं हम हार न जाएं, इसलिए हर जरूरी सावधानी अपनाएं। श्री गहलोत ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, देश के कुछ राज्यों में कोरोना वापस तेजी से फैल रहा है, छोटी सी लापरवाही हमारे लिए संकट पैदा कर सकती है। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सब ने कोरोना का सबसे कठिन दौर देखा है, सरकार की ओर से शादी समारोह, व्यवसाय, शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों के लिए दी गई छूट आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन लापरवाही का व्यवहार कोरोना संक्रमण बढ़ा सकता है, ऐसी कोई भूल न दोहराएं जिससे फिर क्वारंटाइन और आइसोलेशन जैसी परेशानियों से गुजरना पड़े या लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.